नमस्कार, स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अनेकों अनेक श्रापों का वर्णन मिलता है। पहले के युगों के लोगों में इतनी आध्यात्मिक शक्ति होती थी कि अगर किसी को श्राप दे दें या वरदान दे दें तो वैसा का वैसा फलीभूत हो जाता था। श्राप से इंसान और भगवान दोनों नहीं बच पाए। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसे विचित्र प्रकार के श्रापों का वर्णन मिलता है जिन पर आज के समय में विश्वास कर पाना मुश्किल है। कहीं किसी राजा को भरी जवानी में बूढ़े होने का श्राप मिला तो किसी को अमर रहने का श्राप। लेकिन अमर होना श्राप कैसे हुआ, सब पता चलेगा। बस यही हमारे साथ बने रहें। आइए देखते हैं ऐसे 12 विचित्र श्राप और उनके पीछे के कारण और रहस्य। वीडियो को पूरा जरूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे विचित्र श्राप कौन सा लगा। साथ ही वीडियो को अभी लाइक करें। हमारा दावा है कि ये जानकारी आपको काफी रोचक लगेगी। पहला श्राप, नारद का भगवान विष्णु को श्राप। शिव पुराण के अनुसार एक बार देवर्षि नारद एक युवती पर मोहित हो गए। उस कन्या के स्वयंवर में वे भगवान विष्णु के रूप में पहुंचे, लेकिन भगवान की माया से उनका मुंह वानर के समान हो गया। भगवान विष्णु भी स्वयंवर में पहुंचे। उन्हें देखकर उस युवती ने भगवान का वरण कर लिया। यह देखकर नारद मुनि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के लिए व्याकुल किया है, उसी प्रकार तुम भी स्त्री विरह का दुख भोगोगे। भगवान विष्णु ने राम अवतार में नारद मुनि के श्राप को पूरा किया। दूसरा श्राप, श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को। महाभारत युद्ध के अंत समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया, तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते करते महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक पहुंच गए। तब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। ये देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगो युगों तक भटकते रहने का श्राप दिया। तीसरा श्राप, शुक्राचार्य का राजा ययाति को। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार राजा ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। देवयानी की श्रमिष्ठा नाम की एक दासी थी। एक बार जब ययाति और देवयानी बगीचे में घूम रहे थे, तब उसे पता चला कि शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता भी राजा ययाति ही हैं। तो वह क्रोधित होकर अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई और उन्हें पूरी बात बता दी। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ययाति को बूढ़ा होने का श्राप दे दिया था। चौथा श्राप, नल कुबेर का रावण को। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। तब अप्सरा ने कहा कि आप मुझे इस तरह स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधु के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा के साथ दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया। आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। पांचवा श्राप, तुलसी का भगवान विष्णु को। शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ जालंधर नाम का एक राक्षस था। उनकी पत्नी का नाम तुलसी था। शंखचूड़ जालंधर महादेव का पुत्र था। इसके पीछे की कहानी आने वाले दिनों में डाली जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। तुलसी पतिव्रता थी, जिसके कारण देवता भी शंखचूड़ जालंधर का वध करने में असमर्थ थे। देवताओं के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने शंखचूड़ जालंधर का रूप लेकर तुलसी का पतिव्रताशील भंग कर दिया। तब भगवान शंकर ने शंखचूड़ जालंधर का वध कर दिया। यह बात जब तुलसी को पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर का हो जाने का श्राप दिया। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम शिला के रूप में की जाती है। छठा श्राप, श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। तब उन्हें वहां शमिक नाम के ऋषि दिखाई दिए जो मौन अवस्था में थे। राजा परीक्षित ने उनसे बात करना चाही, लेकिन ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। यह बात जब शमिक ऋषि के पुत्र शंगी को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। सातवां श्राप, राजा अनरण्य का रावण को। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रघुवंश में एक परम प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम अनरण्य था।
जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अनरण्य से उसका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा अनरण्य की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इन्हीं के वंश में आगे जाकर भगवान श्री राम ने जन्म लिया और रावण का वध किया। आठवां श्राप दक्ष का चंद्रमा को। शिव पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से करवाया था। उन सभी पत्नियों में रोहिणी नाम की पत्नी चंद्रमा को सबसे अधिक प्रिय थी। ये बात उन्होंने अपने पिता दक्ष को बताई तो वे बहुत क्रोधित हुए और चंद्रमा को सभी के प्रति समान भाव रखने को कहा, लेकिन चंद्रमा नहीं माने। तब क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दिया। दसवां श्राप माया का रावण को। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वैजयंतपुर के शंभर राजा थे। एक दिन रावण शंभर के यहाँ गया। वहां रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा लिया, पतिव्रताशील भंग कर दिया। इस बात का पता लगते ही शंभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासना युक्त होकर मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया है, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई, अतः तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण होगी। ग्यारहवां श्राप ब्राह्मण दंपति का राजा दशरथ को। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार जब राजा दशरथ शिकार करने वन में गए तो उन्होंने गलती से एक ब्राह्मण पुत्र श्रवण कुमार का वध कर दिया। उस ब्राह्मण पुत्र श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे और वो अपने माता पिता को अपने कंधे पर लादकर चारों धाम की यात्रा पर निकला था। जब उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र के वियोग के कारण ही होगी। बारहवां श्राप महर्षि वशिष्ठ का वसुओं को। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह पूर्व जन्म में अष्ट वसुओं में से एक थे। एक बार इन अष्ट वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। जब ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने अष्ट वसुओं को श्राप दिया कि तुम आठों वसुओं को मृत्यु लोक में मानव रूप में जन्म लेना होगा और आठवें वसु को राज स्त्री आदि सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। यही आठवें वसु भीष्म पितामह थे। ये आठ वसु कौन थे, इनकी क्या कहानी है, इस बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। और वो वीडियो आपसे मिस ना हो इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको सबसे विचित्र श्राप कौन सा लगा। और दूसरे वीडियो देखने के लिए नीचे हमारे चैनल के नाम को टच करें और हमारे चैनल के सभी फ्री वीडियोस का आनंद लें। बोलो देवों के देव महादेव की जय। हर हर महादेव।